बाइपोलर डिसऑर्डर के 9 लक्षण जो हम बोलते नहीं, इसके बारे में मैं बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहां प्रैक्टिस करता हूं। बाइपोलर डिसऑर्डर में होता क्या है कि मैनिया और डिप्रेशन, ऐसे दो पोल्स जो है इमोशंस के, वो आते रहते हैं। कभी मैनिया आता है, कुछ दिन तक चलता है, फिर ठीक होता है, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर डिप्रेशन के बाद में मैनिया आएगा, ऐसा चालू रहता है। कुछ उसके लक्षण ऐसे कि जो हम उसके बारे में बात नहीं करते रहते, वो व्यक्ति भी बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा दिखाई भी देते नहीं, मगर लक्षण है और उसका इलाज भी होना जरूरी है। तो उसके 9 लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1 जो है वो है हाइपर सेक्शुअलिटी। इसमें होता क्या है, कुछ लोगों को हाइपर सेक्शुअलिटी होती है, मतलब ज़्यादा सेक्स आता है और उनको ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा होती है। फिर वो कहीं इशारे करेंगे किसके तरफ, किसको अप्रोच करेंगे, कोई लेडी के साथ में ज़्यादा बातचीत करने की कोशिश करेंगे और फिर उससे उनके घर में प्रॉब्लम हो सकते हैं। वो लेडी कभी कुछ, सामने वाली लेडी ने और कुछ कर दिया उल्टा पुल्टा, या आक्षेप ले लिया या ऑब्जेक्शन उठा लिया, तो फिर और प्रॉब्लम हो जाता है। तो एक हाइपर सेक्शुअलिटी, नंबर 1। नंबर 2, लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, मतलब ऐसा सडनली कुछ तभी इम्पल्स आ जाता है करने का और वो कर डालता है। सो कोई विचार आ जाता है और वो कर डालता है, उससे ऐसा धीरज नहीं रहता। तो कुछ लोगों का ऐसा रहता है कि उनका, उनको धीरज नहीं है और फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस नहीं है, कोई इम्पल्स आ जाता, कोई विचार आ जाता और फटाक से कर देते हैं। तो उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एकदम कुछ तभी बड़ा खरीद लेंगे, बड़ा लोन ले लेंगे, फाइनेंशियल बहुत लॉस इसमें हो जाता है। नंबर 3, ये लोगों को, कुछ लोगों को मतलब ऐसा गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, और गुस्सा कंट्रोल में रहता नहीं, वो ताड़ 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 कुछ तभी बोल देंगे, गर्म रहेंगे, इरिटेबल रहेंगे, चिड़चिड़ापन उनका होगा, और फिर बाद में लगे तो शाम भी हो जाएंगे और माफ़ी भी मांग लेंगे कि नहीं मैंने गलती किया, मैंने ऐसा नहीं करना है, मगर वो रिलेशनशिप खराब हो जाती है, किसको मार भी देंगे गुस्से में। तो ये तीसरा लक्षण है गुस्सा। फिर चौथा जो है वो है मिक्स एपिसोड, मतलब एक ही साथ उनको मैनिया और डिप्रेशन रहता है, मैनिक सिम्टम्स और डिप्रेशन एक साथ, मतलब कुछ लक्षण मैनिया के, कुछ लक्षण डिप्रेशन के। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत एक्टिविटी करना जोर, मगर लगता है ऐसा एक्टिविटी करना, ऐसे विचार आ रहे और इधर डिप्रेशन से बॉडी हिल नहीं रही है, तो ऐसे मिक्स एपिसोड रहते 4। नंबर 5, ऑब्सेशन हो जाता है। ऑब्सेशन मतलब एक ही विचार बार 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 उनके दिमाग में आना, एक ही विचार आना, चाहे वो डिप्रेशन का हो, चाहे वो मैनिया का हो, और वो इतना वो विचारों से मतलब परेशान हो जाते हैं, उनको लगता है कि ये फालतू विचार है, मगर वो ऑब्सेशन बार 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 आते रहते हैं। ये 5वां हो गया। 6वां जो है, उनको पैरानोया के सिम्टम्स भी होते हैं। पैरानोया मतलब शकीलापन, कि भाई अपना, उनको लगता है कि लोग अपने कॉन्स्टेंटली खिलाफ है, कुछ लोग हमारे ऊपर वॉच कर रहे हैं, कोई उनको आवाज़ आ जाती है कुछ, कोई कुछ अपने खिलाफ बोलने की। कभी उनको ऐसा लगता है कि रेडियो पर, टीवी पर, यूट्यूब के ऊपर अपने बारे में बातचीत करना चालू है, फेसबुक के ऊपर अपने बारे में कमेंट्स चालू है लोगों के, ऐसा उनको लगता है, और वो पैरानोइया रहता है कि भाई अपने खिलाफ लोग हैं, लोग अपने बारे में बात कर रहे हैं, लोग अपने ऊपर वॉच कर रहे हैं, ये पैरानोइया रहता है। 6, 7 जो है वो है बाइपोलर क्रैश। बाइपोलर क्रैश इसका मतलब ये होता है कि वो मैनिया में है, सडनली एकदम डाउन हो जाएगा, एक दिन में इतना डाउन, इतना डिप्रेशन हो जाएगा, एकदम क्रैश खलास जैसा। तो उनको वो, कुछ लोगों को हरदम डर रहता है कि हमारा बाइपोलर क्रैश हो जाएगा, वो हरदम डरावने रहते हैं, और उनको सचमुच क्रैश हो जाता है, फिर उनको मतलब डॉक्टर लोगों को या फैमिली मेम्बर को संवरने का टाइम भी नहीं मिलता, इतना फटाक से क्रैश हो जाता है, वो कुछ लोगों में होता है। 7, 8 जो है वो है कि फियर ऑफ डिप्रेशन। जो मैनिक और हाइपोमैनिक में रहते हैं, उनको हरदम ऐसा डर लगता है, कुछ कुछ लोग हैं ऑफकोर्स, कि उनको लगता है कि मेरे को डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आएगा, क्या होगा, डिप्रेशन आ गया तो फिर डाउन हो जाऊंगा, फिर काम नहीं कर सकूंगा, और वो हरदम वो एक वातावरण, मन का अंदर का वातावरण जो है वो ऐसा हो जाता है कि मेरे को डिप्रेशन आ जाएगा, और उससे उनकी फिर गुणवत्ता लाइफ की खराब हो जाती है। नंबर 9, एंग्जाइटी, मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट, चिंता, बेचैनी, और ऐसा एंग्शस बहुत, कि मतलब नॉट एट ईज, शांति नहीं है मन को, या एट ईज नहीं है, रिलैक्स नहीं है, ऐसा उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है। तो मैं फिर से 9 लक्षण बताता हूँ। नंबर 1 है हाइपर सेक्शुअलिटी, नंबर 2 है लैक ऑफ इम्पल्स कंट्रोल, नंबर 3 है गुस्सा, नंबर 4 है मिक्स एपिसोड रहना, नंबर 5 है ऑब्सेशन, नंबर 6 है पैरानोइया, नंबर 7 है बायपोलर क्रैश, नंबर 8 है फियर ऑफ डिप्रेशन, नंबर 9 है एंग्जाइटी। यदि आप देखते हैं कि भाई इस तरह के लक्षण हो सकते हैं, और वो लक्षण कभी भी इनको हो सकते हैं,
तो ये लक्षण देखना चाहिए और उसके ऊपर भी साथ में इलाज होता है तो बहुत अच्छी लाइफ है, लोग जी सकेंगे। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।